5.2.2 पारिस्थितिक तंत्र और पोषक स्तर, इकोसिस्टम एंड ट्रॉफिक लेवल्स। धान के खेत के खाद्य जाल में आपको कई खाद्य श्रृंखलाएं मिली होंगी। हमने यह भी देखा कि धान के पौधों उत्पादकों से खाद्य श्रृंखलाओं की शुरुआत हुई है। इन पौधों को खाने वाले जीव जैसे चिड़िया, कीड़े, चूहे, खरगोश और गिलहरी है, ये प्राथमिक उपभोक्ता हैं। इनको खाने वाले कौन कौन से जीव हैं? ये जीव द्वितीय उपभोक्ता हैं। क्या इस खाद्य जाल में उपरोक्त जीवों को खाने वाले और जीव हैं? ऐसे जीव तृतीय उपभोक्ता हैं। इस प्रकार के समूहों में जीवों के अध्ययन का सामान्य प्रस्तुतिकरण करने के लिए इन्हें किसी न किसी स्तर पर माना गया और उन सभी स्तरों को पोषक स्तर कहा गया, जैसे उत्पादक, प्रोड्यूसर, प्रथम पोषक स्तर, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, प्राथमिक उपभोक्ता, प्राइमरी कंज्यूमर, द्वितीय पोषक स्तर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, द्वितीय उपभोक्ता, सेकेंडरी कंज्यूमर, तृतीय पोषक स्तर, थर्ड ट्रॉफिक लेवल, तृतीय उपभोक्ता, टर्शरी कंज्यूमर, चतुर्थ पोषक स्तर, फोर्थ ट्रॉफिक लेवल, चतुर्थ अक्सर सर्वोच्च उपभोक्ता, क्वार्टरनरी यूजुअली आल्सो टॉप कंज्यूमर, पंचम पोषक स्तर, फिफ्थ ट्रॉफिक लेवल। एक फूड चेन किसी भी हैबिटेट में उन जीवों की सीक्वेंस को दर्शाती है जो कि भोजन के स्रोत के रूप में एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारे जंगलों में एक फूड चेन के बेस पर घास होगी जो खरगोश द्वारा खाई जाती है, जो कि फिर लोमड़ी द्वारा खाए जाते हैं। ये एरोज चेन में होने वाले एनर्जी फ्लो को दर्शाते हैं और जंगल में ऐसे कई फूड चेन्स होते हैं। एक फूड वेब एक इकोसिस्टम में एक दूसरे से जुड़ी हुई फूड चेन्स को दर्शाता है और ये अधिक कॉम्प्लेक्स होता है। हर फूड चेन में ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं और एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल के सभी ऑर्गेनिजम्स, प्रोड्यूसर्स या फूड चेन के बेस के समान एनर्जी की मात्रा लेते हैं। जैसे हमारे जंगलों में एनर्जी ट्रांसफर होती है घास से क्रिकेट और फिर मेंढकों तक, और घास से कैटरपिलर्स और फिर पंछियों तक। कैटरपिलर्स और क्रिकेट सेम ट्रॉफिक लेवल पर हैं, जैसे कि मेंढक और पंछी भी सेम ट्रॉफिक लेवल पर हैं। फूड चेन के बेस पर हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये ऑटोट्रोफ्स हैं, यानी ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे कि पौधे फोटोसिंथेसिस द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं, ये फूड चेन के दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ट्रॉफिक लेवल में आते हैं, ये प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, और लगभग सभी हर्बीवोर्स यानी शाकाहारी होते हैं। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जो या तो कार्निवोर्स यानी मांसाहारी होते हैं, यानी वे केवल अन्य जानवरों को ही खाते हैं, या चूहों की तरह वे ओमनीवोर्स या सर्वाहारी हो सकते हैं जो विभिन्न प्रकार के पौधों और जानवरों दोनों को खाते हैं। ज्यादातर मनुष्य ओमनीवोर्स होते हैं, वे मांस खाते हैं लेकिन सब्जियां और अनाज भी खाते हैं। कुछ प्राणी इंसेक्टिवोर्स भी हो सकते हैं, जैसे लेडी बर्ड और मेंढक, जो केवल इंसेक्ट्स, वर्म्स और अन्य इनवर्टिब्रेट्स को ही खाते हैं। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स मरे हुए पौधों, जानवरों और वेस्ट का विघटन करते हैं और न्यूट्रिएंट्स को वापस मिट्टी में मिला देते हैं। डीकम्पोजर्स एक इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी होते हैं। अगर वे यहाँ नहीं होते तो पौधों को आवश्यक न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते और मरी हुई चीजों और कचरे का ढेर लग जाता। कई प्रकार के डीकम्पोजर्स सूक्ष्म होते हैं, यानी इन्हें देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जैसे कि बैक्टीरिया। कुछ डीकम्पोजर्स जैसे फंजाई या कवक हमारी आंखों से भी देखे जा सकते हैं। अक्सर किसी एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय में भोजन, पानी इत्यादि संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा रहती है। एक पोषक स्तर के जीवों के समुदाय की उससे पहले वाले पोषक स्तर के जीवों के समुदाय पर भोजन संबंधी निर्भरता होती है। किसी पोषक स्तर के जीव समुदाय की अगले पोषक स्तर द्वारा संख्या पर नियंत्रण संबंधी निर्भरता होती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऐसे जीव भी होते हैं जो अन्य जीवों के अपशिष्ट पदार्थों और मृत जीवों के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये अपमार्जक जैसे कौवा, तिलचट्टा आदि तथा अपघटक जैसे जीवाणु, कवक आदि होते हैं। इस समूह के जीवों को
किस पोषक स्तर पर रखना चाहिए, किस पोषक स्तर पर मनुष्य जैसे सर्वाहारी जीवों जो पौधों और अन्य जीवों को खाते हैं को रखना चाहिए। हम चित्र में देख सकते हैं कि हर पोषक स्तर पर अपघटक क्रिया करते हैं और अपघटित पदार्थों को प्रथम पोषक स्तर के लिए उपलब्ध कराते हैं। पोषक स्तरों में जीवों के बीच निर्भरता, संसाधनों का वितरण, ऊर्जा का प्रवाह इत्यादि के मात्रात्मक अध्ययन के प्रस्तुतीकरण के लिए हम एक और प्रारूप पारिस्थितिक पिरामिड की मदद लेते हैं। इससे अलग अलग पारिस्थितिक तंत्रों का तुलनात्मक अध्ययन करना आसान हो जाता है।